दोस्तों, क्या आप मोबाइल गेमिंग करते हो, अपने गेम प्ले को और भी बेटर बनाने का सोच रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजित मिश्रा, आप देख रहे हो योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं इवो के गेम पैड प्रो 4 की। यस्टरडे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे कि मैंने आपको बताया था कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में गेम खेल के एक यूट्यूब में गेमिंग चैनल शुरू करके ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में गेम खेलते हो, अपने गेम प्ले को और भी बेटर बनाना चाहते हो, चाहे अपने शौक के लिए, चाहे एक गेमिंग चैनल के लिए, और अपने लिए एक गेम पैड परचेज करने का सोच रहे हो, तो ये गेम पैड आपके लिए बेस्ट रहेगा। 1 ईयर वारंटी के साथ ये आता है, सभी टाइप के गेम सपोर्ट कर जाते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल में हो, चाहे एप्पल के मोबाइल में हो। ऊपर से 400 से भी ज्यादा गेम में आपको इनका ऑफिशियल सपोर्ट मिल जाता है। इस गेम पैड को एक बार चार्ज देने के बाद आप नॉनस्टॉप 12 घंटे तक इस पे गेम प्ले कर सकते हो। इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अगर आप गेम पैड लेना चाहते हो एक अच्छे बैटरी के साथ, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए अभी इस इवो के गेम पैड प्रो 4 का अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद मैं आपको दूंगा इसका रिव्यू। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इवो गेम पैड प्रो 4 का बॉक्स देख सकते हो। ऑलमोस्ट सभी टाइप के गेम इस पे सपोर्ट कर जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी टाइप के मोबाइल इस गेम पैड के साथ सपोर्ट करते हैं, चाहे एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे iOS हो, और किसी भी टाइप के गेम आप इस पे चला सकते हो। बहुत सारे प्रो गेम पैड के फीचर्स आपको इस गेम पैड में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 360 डिग्री डिजिटल एनालॉग स्टिक आपको मिल जाता है, टर्बो फंक्शन मिल जाता है, 2 एक्स्ट्रा एक्शन बटन इस पे आपको मिल जाता है बैक साइड में। यहाँ पे एर्गोनोमिक डिजाइन आपको देखने को मिलता है जिससे कि आपको बेटर ग्रिप मिल सके। इस पे इनबिल्ट एडजस्टेबल स्मार्टफोन क्लैंप आपको मिल जाता है, चाहे एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे iOS हो, सपोर्ट आपको इस पे मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट का प्रिंटिंग प्राइस है 2599 रुपीज़, बट मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया 2000 रुपीज़ में। अमेजोन में ये आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। दोनों ही वेबसाइट का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवो गेम पैड प्रो 4 एमकिट कंपनी की तरफ से आता है और इस पे आपको 1 ईयर हैसल फ्री वारंटी भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा गेम पैड ढूंढ रहे थे जिसपे कि लैगिंग फ्री बहुत ही स्मूथली आप गेम प्ले कर सको, तो ये गेम पैड आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 4.0 का यूज़ किया गया है। साथ ही आप इस पे अपने फ़ोन को क्लैंप कर सकते हो, इसमें सिक्योर क्लैंप भी दिया गया है। साथ ही आपको एक बार चार्ज देने में इस पे 12 घंटे का नॉनस्टॉप प्ले टाइम मिल जाता है। इस गेम पैड में आपको इंस्टेंट प्ले का फीचर भी मिल जाता है और आपको प्री लोडेड 4 गेम्स इसमें मिल जाते हैं। सभी टाइप्स के मोबाइल फ़ोन, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे आईफोन हो, ये सपोर्ट कर जाएगा। बट अगर आपके फ़ोन में मीडियाटेक का चिपसेट यूज़ किया गया है, तो हो सकता है कि ये गेम पैड आपके फ़ोन के साथ सपोर्ट ना करे। पैकेट को अनबॉक्सिंग करने पे सबसे पहले हमें गेम पैड मिल जाता है और एक चार्जिंग केबल मिल जाता है। यहाँ पे आप गेम पैड को देख सकते हो, यहाँ पे 2 जॉयस्टिक दिए गए हैं और बहुत सारे बटन्स आपको इस पे मिल जाते हैं। दोस्तों, अभी इस गेम पैड का यूज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 लाइट दिया गया है, जिसमें से ऊपर वाला लाइट है अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल के साथ इस गेम पैड को कनेक्ट करते हो, उसके बाद वाला लाइट है अगर आप iOS मोबाइल के साथ यानी एप्पल के किसी मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करते हो, उसके बाद तीसरा जो लाइट है वो है अगर आप अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ इसको कनेक्ट करते हो, और लास्ट में आखिर में जो लाइट है वो अगर आप इसको चार्जिंग में बैठाते हो तब वो ब्लिंक करेगा। तो इसको ऑन करने के लिए आप पहले इस क्लैंप को ऊपर उठा दीजिए, फिर होम बटन पे क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक करने पे यहाँ पे लाइट ग्लो कर जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। अभी अगर आपको एंड्रॉयड मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करना है, सिंपली आप होम बटन और ए बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये ब्लिंक हो रहा है और अभी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ब्लूटूथ सेक्शन में जाके इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको iOS मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है, सिंपली आपको होम बटन और ये Y बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। अगर एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट करना है, तो होम बटन और X बटन के साथ एक साथ आपको क्लिक करना होगा। एक बार मैं दिखा देता हूं, होम बटन और Y बटन पे एक साथ मैं क्लिक करता हूं, आप देखिए सेकेंड लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गया है और ये अभी किसी भी iOS मोबाइल के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी है। अगर एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट करना हो, अगर आपके घर में एंड्रॉयड टीवी हो, उस पर आप गेम खेलना चाहते हो और इसको ऑपरेट करना चाहते हो, तो सिंपली आप होम बटन और X बटन पे एक साथ क्लिक कीजिए। अब देखेंगे तीसरा लाइट ग्लो होना शुरू हो गया है। चौथे लाइट के लिए सिंपली चार्ज में बैठाना होगा और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसको ऑफ करने के लिए सिंपली आपको होम बटन पे क्लिक करके रखना होगा और ये ऑफ हो जाएगा। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने गेम पैड को अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्ट करोगे। तो इसके लिए सिंपली आप क्लैंप को ओपन करो, होम बटन पे एक बार क्लिक करो, ये ऑन हो जाएगा। फिर आपको होम बटन और ए बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है।
आप देख सकते हो यहाँ पे जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रहा है, पहला वाला एलईडी, यानी जो इंडिकेट करता है आपके एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं। जैसे ही एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा ये एलईडी जो है ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अभी आपको इसको रख देना है, अपना एंड्रॉयड मोबाइल फोन लेना है, इसको मैं अनलॉक करता हूं और अपना ब्लूटूथ को यहां पे ऑन कर लेता हूं। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद यहां पे आपको ब्लूटूथ को प्रेस करके रखना है। आप यहां पे देख सकते हो इवो गेमपैड प्रो 4 दिखा रहा है, इस पे क्लिक करना है, ये कनेक्टिंग हो रहा है और ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा यहां पे जो एलईडी है ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। यहां पे क्लैंप दिया हुआ है जिसको आप 7 इंच तक एक्सटेंड कर सकते हो और यहां पे आप 7 इंच विड्थ तक का किसी भी मोबाइल को क्लैंप कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से अपना मोबाइल फोन यहां पे क्लैंप कर सकते हो और गेम प्ले कर सकते हो। इस गेम पैड में आपको बहुत सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे 2 एक्स्ट्रा एक्शन बटन दिया हुआ है और आगे के तरफ 4 बटन दिया हुआ है। इसमें से 2 LB RB और 2 LT RT का बटन आपको सामने देखने को मिल जाता है। चार्जिंग के लिए आपको सामने चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है जिसके साथ आप चार्जिंग केबल को कनेक्ट कर सकते हो। बॉक्स के अंदर और हमें मिला एक यूजर मैनुअल, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्विक स्टार्ट गाइड मिला जिसपे कि एक क्यूआर कोड आप देख सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप शूटिंग प्लस V3 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो जो कि इसका कॉम्पिनियन ऐप है। यहाँ पे मुझे एक वारंटी कार्ड मिला और लास्ट में आप देख सकते हो वारंटी के लिए या कोई भी सर्विस अगर आपको लगे, कोई भी हेल्प लगे तो आप इनका वेबसाइट विजिट कर सकते हो या इन्हें कॉल कर सकते हो। बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, बस यही सब था। गेम पैड में आपको 2 जॉयस्टिक मिल जाता है, बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं। चलिए अभी इसका यूज करते हैं। दोस्तों गेम पैड के साथ कैसे एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये गेम पैड इस एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्टेड है और ये आप समझ सकते हो यहाँ पे इंडिकेशन देख के। एकदम ऊपर वाला जो एलईडी है वो एंड्रॉयड के लिए है। अगर वो ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब वो कनेक्ट नहीं है, और अगर वो ब्लिंक नहीं कर रहा है इसका मतलब वो किसी ना किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इस डिवाइस के साथ ये गेम पैड कनेक्टेड है या नहीं। एक बार मैं ब्लूटूथ सेक्शन में देख लेता हूं और यहां पे आप देख सकते हो इस गेम पैड के साथ ये एंड्रॉयड मोबाइल कनेक्टेड है। आप इस गेम पैड को आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आईफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको होम बटन और वाई को एक साथ प्रेस करना होगा, और एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए होम बटन और एक्स को एक साथ प्रेस करना होगा। ये आप समझ गए। अभी गेम खेलने के लिए आपको शूटिंग प्लस V3 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर में आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे गेम्स का नाम दिखा रहा है जो कि इस गेम पैड के साथ ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, सारे सेटिंग्स इसमें किया हुआ है जिसमें कि पबजी गेम भी है। तो चलिए अभी एक गेम को प्ले करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं पहले। हमारा मोबाइल सेट हो गया है, अभी एक गेम को ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे एस्पल्ट 8 को ओपन कर रहा हूं।
दोस्तों अभी बात करते हैं इस गेमपैड के रिव्यू के बारे में। इस गेमपैड को मैंने 2 दिन पहले परचेज किया था। 2 दिन से मैंने इस पे लगातार कई सारे गेम्स को ट्राई किया और उसके बाद वीडियो का ये लास्ट पार्ट रिव्यू वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस पे मैंने पबजी भी ट्राई किया, कई सारे मोबाइल एक्शन गेम ट्राई किए, कई सारे मैंने इस पे रेसिंग गेम्स ट्राई किया और ओवरऑल अगर मेरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस पे मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिला। इस प्राइस के अंदर आपको इससे बेटर क्वालिटी में गेम पैड मार्केट में नहीं मिलेंगे। आप किसी भी कितने भी ज्यादा प्राइस के गेम पैड ले लो, इसका जो जॉयस्टिक है जितना फ्लेक्सिबल है, जितना सॉफ्ट है, इस क्वालिटी से बेटर क्वालिटी में आपको गेम पैड नहीं मिलेगा। इस पे अगर कंट्रोल की बात करूं तो पबजी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कंट्रोल के मामले में, बट अगर मैं रेसिंग गेम्स की बात करूं और दूसरे जितने भी एक्शन गेम मैंने ट्राई किए, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा है। अगर इसको मैं रेट करूं 10 में से तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 9 देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकॉन आएगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को एनेबल कर सकते हो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू।